यहाँ भी चलेगा वहाँ भी चलेगा, अब तो सारे जहाँ में चलेगा क्या। मेरा बुलडोजर डोजर 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 डोजर, अपना बुलडोजर डोजर 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 डोजर, मेरा बुलडोजर डोजर 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 डोजर। बजे भाई लादू, हम इस बुलडोजर से क्या करने वाले हैं? इससे खेतों की जुताई करूंगा। तुझे जुताई करवानी है? लेकिन खेत तो हम हल से जोतते हैं ना। जब ये पता है तो ये भी पता होगा कि बुलडोजर से क्या करते हैं। हाँ, इतने घरों को तोड़ते हैं, लेकिन हम इसका क्या करेंगे? अरे जो भी चीज़ गैर कानूनी है, जो भी चीज़ समाज की शांति के खिलाफ है, हम उन सब पर चुन चुन कर बुलडोजर चलाएंगे। गाली भाई लादू, गाली लो, गाली लो। आगे अपने गुरुजी हैं। अबे रोक नहीं ठोक। आज इनके ऊपर भी बुलडोजर चढ़ाई देता हूँ। साला रोज रोज का किस्सा ही खत्म। लेकिन ये तो कोई गैर कानूनी नहीं है, ये तो हमारे गुरुजी हैं। लेकिन हम जैसे बच्चों में इनका आतंक तो रहता है। मार मार कर चूतड़ सुझा देते हैं ऐसे मास्टर लोग। कहीं न कहीं से तो खात्मे की शुरुआत करनी ही पड़ेगी। आज नहीं छोड़ूंगा। अबे रजुआ, ये आज बुलडोजर बाबा क्यों बना हुआ है रे? असामाजिक तत्वों और असामाजिक कृत्यों का अंत करने के लिए आज मैंने ये रूप धारण किया है। क्या? लेकिन ये तुम मेरी तरफ क्यों ला रहा है? क्योंकि आप हम जैसे मासूम स्टूडेंट्स के लिए रावण हो। What? और आज आपका अंत होकर रहेगा। क्या? मेरे पीछे ये बुलडोजर क्यों दौड़ा रहा है? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? एक तो हमारा बचपन ABCD में खत्म कर दिया, अब अल्फा बीटा साइन थीटा लॉटा लहसुन के चक्कर में हमारी जवानी बिगाड़ रहे हो। देखो बेटा, अब वो तो तुम्हारी भलाई के लिए पढ़ाया जाता है। ये सब पढ़कर ही तो लोग बड़े बड़े अफसर बने हैं। अब मैं कुछ नहीं सुनने वाला। आपने हमारा बहुत भला कर दिया। अब आप अपनी सारी भलाई की बत्ती बनाकर जहाँ जगह हो वहाँ ठूस लो और अपना भला करो। लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये तो सरासर गैर कानूनी है। गैर कानूनी काम तो आप लोगों ने किया है महाशय, आप लोगों ने। है? हमने कैसा गैर कानूनी काम किया है भाई? आपने हम बच्चों से रोज काम करवाया है, करवाया है ना? हाँ हाँ हाँ, लेकिन तो आपको पता होना चाहिए कि बच्चों से काम करवाना कानूनी अपराध है। हा? और आप लोगों ने हमें कॉपी भर भर कर काम दिया। इस तरह से आपने हमसे काम करवा कर गैर कानूनी काम किया है। और हर गैर कानूनी काम करने वाले के ऊपर अब राजू का बुलडोजर चलेगा। भाई पहले किसके ऊपर बुलडोजर चलाए, तल के ऊपर या स्कूल के ऊपर? ऐसा करते हैं कि पहले स्कूल पर ही बुलडोजर चला देते हैं, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अरे लेकिन इस स्कूल ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है भाई, जो उस पर बुलडोजर चलाने जा रहे हो? सारा दोष तो स्कूल का ही है। यही वो जगह है जहाँ हमारे बाप को लूटा और हमें कूटा जाता है। अब बेटा काम करोगे कुटाने वाले तो कूटे ही जाओगे ना, इसीलिए तो अब बुलडोजर चलाकर ही रहूंगा। देखो बेटा, स्कूल शिक्षा का मंदिर होता है। स्कूल शिक्षा का मंदिर होता है ये मुझे भी पता है, लेकिन आप लोगों ने इसे अपने लूट का अड्डा बना दिया है। यहाँ सिर्फ गैर कानूनी काम किया जाता है। स्कूल में और गैर कानूनी काम, ये क्या बक रहा है बे? सच बोल रहा हूँ, और क्या। स्कूल की फीस कौन भरता है? बच्चों के माँ बाप फीस भरते हैं। काम किससे करवाया जाता है? बच्चों से। और पढ़ना किसे पड़ता है? बच्चों को। एग्जाम कौन देता है? अब बच्चे ही एग्जाम देते हैं। और फेल कौन होता है? बच्चे ही, जो नहीं पढ़ेगा वो तो फेल होगा ही ना, इसमें कौन सी नई बात है? नई बात ये है कि आप लोग तो कोई काम करते नहीं और उल्टे सैलरी भी लेते हो।
अब न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी, इसलिए सबसे पहले स्कूल पर ही बुलडोजर चलाते हैं। नहीं, 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 ऐसा मत करना, अब मेरी रोजी रोटी का सवाल है यार। भाई लादू स्कूल को खोल देते हैं, स्कूल रहेगा तो कई और भी बच्चे पलेंगे। तल के ऊपर ही बुलडोजर चला देते हैं। What? ताली फटाक की दल ताली है। वह मेरे उजड़े चमन क्या बात कही है, सर के ऊपर ही बुलडोजर चला देते हैं। लेकिन बेटा गुरु तो भगवान के समान होता है ना, भगवान के ऊपर भी कोई बुलडोजर चलाता है क्या है? मैं आपके ऊपर नहीं, आपके अंदर छुपे हुए भेड़िए के ऊपर बुलडोजर चलाऊंगा। ये कैसी बातें कर रहा है राजू बेटा, अब मैं तो इंसान हूँ, अब भेड़िया नहीं। तल आप दादी दुदा होकर भी लाली मैडम को लाइन मारते रहते हैं, ये आपके अंदर छिपे भेड़िए को ही दिखाता है। कान खोल कर सुन लो सर, अब मैं किसी भी तरह के अपराध को बर्दाश्त नहीं कर सकता और ये लौंडिया बाजी तो बिल्कुल नहीं चलेगी। इन सब के प्रति जीरो टॉलरेंस ही हमारा उद्देश्य है। बेटा राजू अब मैं कभी लाली मैडम की ओर नहीं देखूंगा, प्लीज मुझे छोड़ दो। ऐसे नहीं छोड़ूंगा, पहले लाली मैडम से आपको राखी बंधवा कर आप दोनों को भाई बहन बनाऊंगा, फिर आपकी जान बख्शी जाएगी। राजू ये सर के साथ कैसे बदतमीजी कर रहे हो, बुलडोजर पर बैठे हो तो खुद को बुलडोजर बाबा समझ रहे हो क्या? शीला तुम मेरे और सर के बीच में मत आओ, वरना वरना क्या बोलो, क्या कर लोगे तुम? सीधा तुम्हारे ऊपर चढ़ जाऊंगा। क्या? मेरा मतलब है कि तुम्हारे ऊपर बुलडोजर चढ़ा लूंगा। मुझे ऐसे बुलडोजर से कुछ नहीं होने वाला। भाई लादू अब जाता लोगे, तिलापल तो बुलडोजर चलाने से भी कुछ नहीं होने वाला। शीला मुझे लग रहा है तुम्हारा कैरेक्टर ढीला। ए कुत्ते अपना मुंह बंद कर ले वरना कर दूंगी लाल और पीला। हट, बड़ी आई, आज तो कुछ भी कर ले मुझ तक नहीं पहुंच सकती। होश में आ जा नहीं तो आज सारा होश बिगाड़ दूंगी। होश में बातें करूं वो भी तुम्हारे सामने? बाबा क्या बात है, होश में बातें करूं वो भी तुम्हारे सामने? अरे शेर से कहती हो चूहे से डरा करे। अरे दियो मेरे तेल। मैंने सुना है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मैंने भी सुना है कि चुड़ैल को प्यार की भाषा समझ नहीं आती। लगता है तुम आज ऐसे नहीं मानने वाले। ऐसे क्या, तुम जैसे कहो हम वैसे मान जाएंगे, आखिर तुम्हारे आशिक जो हैं। अच्छा रुक अभी दिखाती हूँ।